हेलो व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए दिल्ली के माँ कात्यायनी मंदिर को इस वीडियो में एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ। यह मंदिर छतरपुर मंदिर के नाम से दिल्ली का बहुत ही फेमस मंदिर है। मेरे चैनल से जुड़े नए दर्शकों से निवेदन है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक जल्द पहुँच सके। तो चलिए वीडियो आरम्भ करते हैं। माँ कात्यायनी मंदिर छतरपुर दिल्ली। मंदिर के ठीक सामने ही मंदिर की बहुत बड़ी धर्मशाला व पार्किंग स्थल है और मंदिर के गेट के पास ही जूते चप्पल उतारने का स्थान है, जहां हम अपने जूते चप्पल उतार कर मंदिर में एंटर होते हैं। जैसा कि दिल्ली देश की राजधानी, यहां पहुंचना बहुत आसान है। आप ट्रेन द्वारा बाई एयर या बाई रोड किसी भी माध्यम से सुविधाजनक पहुँच सकते हैं। मंदिर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से 21 किलोमीटर, ISBT कश्मीरी गेट से 30 किलोमीटर और दिल्ली एयरपोर्ट से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। छतरपुर मंदिर तक पहुंचने के लिए आप मेट्रो का प्रयोग कर सकते हैं और छतरपुर मेट्रो स्टेशन पर उतरना पड़ेगा, जो येलो लाइन पर है, या आप लोकल बस या ऑटो टैक्सी द्वारा भी यहां पहुंच सकते हैं। ये मंदिर के गेट के साथ जूते चप्पल उतारने की जगह, यहां पर जूते चप्पल उतार कर मंदिर में एंटर होते हैं। आज कात्यायनी मंदिर छतरपुर नामक गांव में स्थित है, इसलिए छतरपुर मंदिर के नाम से भी ये मंदिर प्रसिद्ध है। दिल्ली के सबसे बड़े और प्रसिद्ध मंदिरों में से यह एक मंदिर है। ये मंदिर गुड़गांव मैरोली मार्ग के निकट छतरपुर में स्थित है। इसके अलावा छतरपुर मंदिर के प्रांगण में एक पवित्र पीपल का पेड़ है, जहाँ लोग इच्छा पूर्ति के लिए धागे बांधते हैं। इस मंदिर परिसर से सटा हुआ एक विशाल तहखाना भी है, यहाँ भक्तों और तीर्थयात्रियों को स्वादिष्ट भोजन खिलाया जाता है। छतरपुर मंदिर आज कात्यायनी दिल्ली हिंदू मंदिर है। छतरपुर मंदिर दक्षिणी दिल्ली में स्थित है। ये पवित्र मंदिर देवी दुर्गा के छठे अवतार आद्य कात्यायनी को समर्पित है। दिल्ली का प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। इसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहाँ आते हैं तथा माता के दर्शन व आशीर्वाद प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं। ये मंदिर सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है और इसकी सजावट बहुत ही आकर्षक है। दक्षिण भारतीय शैली में बना ये मंदिर विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। मंदिर परिसर में खूबसूरत लॉन और बगीचे इत्यादि हैं। छतरपुर मंदिर की स्थापना 1974 में कर्नाटक के संत बाबा नागपाल के प्रयास से संभव हुई। दरअसल आज जहां आप भव्य मंदिर देख रहे हैं, वहां एक समय बस एक छोटी सी कुटिया हुआ करती थी। फिर धीरे धीरे मंदिर का क्षेत्रफल 70 एकड़ तक फैल गया। इस मंदिर में माँ दुर्गा अपने छठे रूप माँ कात्यायनी के रौद्र स्वरूप में दिखाई देती हैं। इनके एक हाथ में चंड मुंड का सिर और दूसरे में खड़क लिए माता अपने भक्तों के सब दुख हरने वाली प्रतीत होती है। यह वह स्थान है जहां बाबा का निजी आवास था और जहां उन्होंने अंतिम सांस ली थी। उस स्थान को उनकी महान आत्मा की श्रद्धांजलि के रूप में एक संग्रहालय में बदल दिया गया है। मूल रूप से ये माँ दुर्गा का शिव विष्णु देवी लक्ष्मी हनुमान भगवान गणेश और राम आदि देवी देवताओं का मंदिर भी है। दुर्गा पूजा नवरात्रि के अवसर पर पूरे देश से यहाँ भक्त एकत्रित होते हैं। छतरपुर मंदिर दिल्ली के बड़े और भव्य मंदिरों में से एक है। विशाल क्षेत्र में फैला यह मंदिर अपनी प्रसिद्धि के कारण सभी के आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहा है। माँ कात्यायनी मंदिर या छतरपुर मंदिर देवी दुर्गा को समर्पित है, जिसमें माता के भव्य रूप के दर्शन होते हैं। माँ कात्यायनी शक्तिपीठ मंदिर का शिलान्यास सन 1974 में किया गया था। इसकी स्थापना कर्नाटक के एक संत बाबा नागपाल जी ने की थी। पहले मंदिर स्थल पर एक कुटिया हुआ करती थी, आज वहाँ माता का भव्य मंदिर है। मंदिर परिसर में ही धर्मशाला, स्कूल, छोटा अस्पताल सहित IIT का संचालन भी किया जाता है। ये मंदिर माता के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी को समर्पित है, इसलिए इसका नाम भी कात्यायनी रखा गया है। इसमें लगभग 20 छोटे बड़े मंदिरों का यह स्थल दिल्ली में दूसरा सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है। छतरपुर मंदिर विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। ये पवित्र स्थल अपनी निर्माण कला के लिए भी विख्यात है। मंदिर के निर्माण कला में सफ़ेद संगमरमर द्वारा निर्मित शिल्प कला व नक्काशी के बेहतरीन नमूनों को देखा जा सकता है। मंदिर के परिसर में बहुत ही बड़ा दरवाज़ा लगा देख सकते हैं, जिस पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ है। ये सभी के आकर्षण का केंद्र होता है। दक्षिण भारतीय शैली में निर्मित ये छतरपुर मंदिर खूबसूरत बगीचों से घिरा हुआ है। लोगों के अनुसार भारत के दक्षिण में कर्नाटक में एक बच्चे का जन्म हुआ। वो बच्चा
बहुत ही कम उम्र में अनाथ हो गया। उस बच्चे को अपनी माँ की बहुत याद आती थी। फिर किसी ने उस बच्चे को बताया कि जन्म देने के अलावा भी एक और माँ है जो सबकी माँ है और वह हम सबकी रक्षा भी करती है। अगर वह माता की शरण में जाएंगे तो माता उनके साथ हमेशा रहेंगी और उनकी रक्षा करती रहेंगी। इस बात से प्रभावित वो बच्चा अध्यात्म से जुड़ गया और अपने आध्यात्मिक गुरुजनों के संरक्षण में वो बच्चा बड़ा हुआ, शिक्षित हुआ। वही बच्चा शक्ति पंथ में दीक्षित किया गया और दुनिया उन्हें बाबा संत नागपाल जी के नाम से जानती है। इस मंदिर के अंदर उनकी मूर्ति भी स्थापित है। मंदिर के अंदर माता का शयन कक्ष बनाया गया है। ये माता का शयन कक्ष है मंदिर परिसर में, और उसके बगल में देवी का एक रानी आकार का शयन कक्ष है जिसमें एक चांदी का बिस्तर, ड्रेसिंग टेबल, आभूषण, सौंदर्य प्रसाधन, एक तलवार और अन्य बहुत सी चीज़ें रखी हुई हैं। ये मंदिर में बाबा संत नागपाल का शयन कक्ष, बैठक और ये मोम से बनी हुई उनकी प्रतिमूर्ति है। एकदम ये आपका ध्यान अपनी ओर खींचेगी। छतरपुर मंदिर की यात्रा वर्ष में किसी भी समय में की जा सकती है। हिंदू त्योहारों दशहरा, महाशिवरात्रि और जन्माष्टमी के दौरान मंदिर जाने पर विचार करें, क्योंकि इन त्योहारों के दौरान विशेष पूजा और भव्य समारोह आयोजित किए जाते हैं। माता कात्यायनी का श्रृंगार रोज सुबह 3 बजे से ही शुरू कर दिया जाता है, जिसमें इस्तेमाल किए हुए वस्त्र, आभूषण और माला इत्यादि फिर कभी दोहराए नहीं जाते। माता को पहनाई जाती है खास तरह की फूलों की माला। माँ कात्यायनी का स्वरूप एकदम मनोहारी लगता है, जिसमें इस्तेमाल सभी रंगों के फूल खास दक्षिण भारत से रोज एयरलिफ्ट कराकर मंगाए जाते हैं। यहाँ आपको भगवान शिव, विष्णु, श्री गणेश, माता लक्ष्मी, हनुमान जी, सीताराम आदि के दर्शन भी हो जाते हैं। इस मंदिर की एक खास बात है कि ग्रहण में भी खुला रहता है और नवरात्रों के दौरान इसके द्वार 24 घंटे भक्तों के लिए खुले रहते हैं।
नवरात्रों में दिल्ली के छतरपुर स्थित आदिकात्यायनी मंदिर में माता के दर्शन के लिए भारी संख्या में श्रद्धालुगण आते हैं। यहाँ माता का स्वरूप देखते ही बनता है। दरअसल माँ कात्यायनी के श्रृंगार के लिए यहाँ रोजाना दक्षिण भारत से खास हर रंगों के फूलों से बनी हुई मालाएँ मंगाई जाती हैं। यहाँ ख़ास तौर पर माता का श्रृंगार रोज़ आपको अलग अलग देखने को मिलता है। हालांकि माता का ये भव्य रूप नवरात्र और पूर्णिमा जैसे खास अवसरों पर ही आप देख सकते हैं। अन्य दिनों में आए भक्तजन माँ के दर्शन के लिए ठीक ऊपर बने मंदिर भवन में जाते हैं। मंदिर के परिसर में धर्मशाला, डिस्पेंसरी और स्कूल का संचालन भी होता है। यह मंदिर कुल मिलाकर 17 एकड़ के परिसर में है। हिंदू धर्म के विभिन्न देवी देवताओं को समर्पित लगभग 20 प्रमुख छोटे बड़े मंदिर इस परिसर में स्थित है। छतरपुर मंदिर की टाइमिंग सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक है। सुबह की आरती 6:30 बजे होती है और शाम की आरती 7 बजे तक है। ये मंदिर के ठीक सामने बहुत बड़ी धर्मशाला है और व्हीकल पार्किंग की बहुत बड़ी जगह है। यहाँ हम अपना व्हीकल पार्क कर सकते हैं और धर्मशाला में रहने के लिए हमें रूम्स इत्यादि भी अवेलेबल हैं। माँ कात्यायनी छतरपुर मंदिर की वीडियो आज यहीं तक। आपके लिए एक नई जगह की नई वीडियो लेकर चल जाऊँगा। कृपया मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करें। और जो मेरे चैनल से नए जुड़े हुए दर्शक हैं उनसे मेरा निवेदन है कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को पुश करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आप मुझे सपोर्ट करें ताकि मेरा उत्साह बना रहे। मेरी ओर से आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।